माता ने बुलाया है। आज हम आप लोगों के माध्यम से जन जन तक, माँ के तमाम भक्तों तक माँ की चिट्ठी, माँ का संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी 14 अक्टूबर को शिवसेना जो है अपनी 41वीं छड़ी यात्रा जो पौराणिक स्वरूप के अनुसार जो है अनुरूप निकाली जाएगी, वो 14 अक्टूबर को जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से इस छड़ी यात्रा को शोभा यात्रा के रूप में रवाना किया जाएगा, जो जम्मू के मुख्य मंदिरों और मुख्य बाजारों से होते हुए पहला दर्शन कोल कंडोली जो नगरोटा स्थित है, उसके बाद देवा माई और उसके बाद पवित्र छड़ी यात्रा जो है वो धर्म नगरी कटरा पहुंचेगी, जहां से आगे की यात्रा शुरू होगी बाणगंगा चरण पादुका अर्धकुंवारी होते हुए माँ के दरबार पहुंचेंगे, जहां पर पहले शुभ नवरात्रि पर यानी 15 अक्टूबर को पवित्र गुफा के अंदर जहां पिंडी स्वरूप के अंदर माँ काली माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी स्थित है उनके समक्ष जो है पूजा अर्चना की जाएगी और देश के अंदर भाईचारा कायम रहने के लिए जम्मू कश्मीर में अमन बहाली की तमाम देशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर सुख समृद्धि को लेकर प्रार्थना की जाएगी। जनता के नाम जितने भी माँ के भगत हैं जो इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं वह शिवसेना कार्यालय आकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, पूरी तरह से उनको निशुल्क तौर पर वहां माँ के दर्शन करवाए जाएंगे, भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा या वो फोन नंबर पे जो मैं अभी फोन नंबर बताने जा रहा हूँ उस पर भी जो है अपना नाम हमें लिखवा सकते हैं 9419182952 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ 9419182952 या 7006445646 पर भी जो है फोन पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, उनका नाम लिख लिया जाएगा, बस के अंदर उनके लिए एक जगह सुरक्षित कर दी जाएगी, रास्ते का जितना भी जो है भंडारा वगैरह सारा पूरी तौर से शिवसेना का अरेंजमेंट किया जाएगा। इस आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र से गुजरात से पंजाब हरियाणा हिमाचल से भी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर माँ के भगत शिव सैनिक जो है 14 अक्टूबर को जम्मू पहुंच रहे हैं जो इस शोभा यात्रा का हिस्सा होंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।